आज गुड मॉर्निंग मेरे साथ हो रही है। अभी तो मम्मी सो रहे हैं, मैं अपना ड्रिंक बना रहा हूँ सुबह का मजा था। ये पी के मम्मी को उठाते हैं, वेट ये हो गया। मम्मी को उठाते चलो। मम्मी 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 जा रहा हूँ मैं जिम, उठ जाओ उठ जाओ, ब्लॉग बना रहा हूँ, उठ जाओ मैं जिम जा रहा हूँ, उठ जाओ। अरे हाँ, आपको सैमसंग का फोन बहुत परेशान दे रहा है ना आपको। चलो उठ जाओ अभी आप, मैं जा रहा हूँ जिम, कुछ करते हैं आज अपन आपके फोन के लिए। उठो, हाँ ना, अभी क्या करेंगे बताओ। क्या करूँ बता, मैं जिम जाता हूँ फिर कुछ करते। हाँ, क्या करते कुछ तो, मैं जिम जाता हूँ देखते सैमसंग गैलरी जाते या कुछ करते। चल शॉप में जाके देखते। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तुम्हें जाओ जिम, जिम जा रहा है। हाँ तो चल, पी लिया हूँ मैंने अपना ड्रिंक, जा रहा हूँ ठीक है। मम्मी घर बैठे अपने सोए रेडी विद मम्मा। मम्मा के रनिंग चालू रेडी है सब लोग खाने के लिए। मारी गया अभी मियाँ को। अगर आज लिली ने मारा मियां को, लिली बहुत मारूंगी आपको, प्यार करेंगे भी एक दूसरे से। चलो कर लो, कर लो कर लो, मिट्टी मिट्टी बातें कर लो। चलो तो मुझे अच्छा लगा तो मैं दूसरा फोन ले लूंगा। अरे अब ये बताते क्या है क्या नहीं पहले। चलो ठीक है। हो गया अभी जिम, भी जाते हैं घर पे और देखते हैं मम्मी क्या कर रहे हैं। चलो वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है यार, शूटिंग बॉय बन गया हूं मैं, बहुत गुस्सा आ रहा हूं। चलो ना जल्दी फिर अपन जाते हैं शॉप पे, तो जिम से आ गया वो रेडी होके जाते हैं। इसको भी कुछ हो गया क्या? बोले मम्मी का फोन नहीं है, मैं भी सैड हूँ। अरे वो छोटे वाले पिल्लू लोग क्या एक्टिंग कर रहे हैं, इतनी बड़ी लवर हूँ और सबसे बड़े पहला फोन आता है जो मेरा प्रीमियम बुकिंग में रहता है, अभी इससे ऊपर तो कोई फोन आया भी नहीं है और ये फ़ोन मुझे इतना सता रहा है, मुझे इतना इरिटेट कर रहा है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो मैं जा रही हूँ शॉप, अगर मुझे कोई अच्छा लगा तो मैं इमीडिएटली वो फ़ोन लेने वाली हूँ, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। बट मैं सबसे बड़ी फ़ैन हूँ सैमसंग की और मेरा बेटा है आईफोन। आईफोन मुझे बोलता है मम्मा यूज़ करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आईफोन।
मैं सैमसंग वाली हूँ, तो पता नहीं आज शायद मेरा ब्रांड चेंज होगा। और चलिए अभी मैं निकल ही रही हूँ, चप्पल भी पहन ली मैंने, चलो मैं अभी थोड़ा चप्पल अच्छे लग रहे हैं चप्पल मस्त मोजड़ी पहनने का मूड झक्कास बोलते हैं झक्कास। अरे वाह का क्या बोले झक्कास एक नंबर। चलो निकल दे। चलो हाँ चलो देखो लीली आपस हुई वो जिमी म्यू म्यू बस चलो चलते हैं हम लोग और देखते हैं कौन सा फोन आज मेरे नसीब में है या है या नहीं या ये मेरे बन साथ गया होने वाला है कुछ। अभी अभी तक तो कुछ पता नहीं है। पर्स ले लिया, मास्क ले लिया, गाड़ी की चाबी ले ली। चलिए अभी हम अमीन को भी ले लो साथ में बस। अमीन तो चाहिए ना भाई। क्या भाई क्या बोलते भाई। चलो चले निकल गई हमारी सवारी। मूड तो अच्छा है नहीं, देखते हैं अभी क्या होता है। मेरा आज बिल्कुल मूड अच्छा नहीं है, मैं पहला बता। चलो आपका मूड मैं अच्छा करूंगा आज, चलते हैं उधर देखते हैं क्या होता है। चलो मेरा तो अच्छा मूड मेरा। अपन एक साड़ी लेंगे नई, मैं गिफ्ट करूंगा, फिर देखते क्या है फोन का। अपन को आज साड़ी चाहिए और अपन को आज फोन भी मेरा एकदम या तो ये वाला फिर एकदम क्लियर या तो न्यू फोन। अपन को आज फोन चाहिए मतलब चाहिए, क्या बोलते हैं अपन। ठीक है ठीक है चलो देखते हैं। टपोरी भाषा टपोरी अंतर घुस गया अपना। कौन सा टपोरी आता है। चलो आज तुम लोगों से एक बात शेयर करूं क्या, 30 साल पुरानी वाली बात है। तो आज मैं वो चीज निकाली हूँ अपने डब्बे में से, खजाने में से। जो मेरी पुरानी चीजें पुरानी यादें है ना, वो मेरा खजाना, मेरे बीता हुआ कल की यादें है वो सब कुछ। ये जो आज मैं देखो वॉच पहनी हूँ ना, आपको बताना चाहूंगी, ये आप हमेशा मेरे हाथ में राडो या दूसरी रोलेक्स या फिर कुछ दूसरी मैचिंग की चीजें मैं पहनती हूँ मोस्टली। बट ये जो वॉच है इसकी कहानी ऐसी है और मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी ये चीज। ये 30 साल पुरानी वॉच है और सिटीजन कंपनी है, और ये मैंने उस टाइम 5,500 की खरीदी थी 30 ईयर्स पहले। आज मेरा दिल हुआ पुरानी यादों को कुछ निकालना और देखने की, तो उसमें से आज मैंने ये वॉच पहनी हूँ। तो ये कहानी कुछ इस तरीके से थी इस वॉच से रिलेटेड। चलिए अब देखो सिग्नल चालू, 1 2 3 4 अपन को आज सिग्नल बंद होने से पहले अपन को बाहर जाने का, क्या बोलते हैं भाई। एकदम सही बिडू, आज बिडू निकल गया बिडू, चल बिडू निकल गया अपन तो यही रख दू। चलो अभी हम मैंने देख लेते क्या करना है, पहले इसको दिखाते हैं फोन को कि क्या करते हैं। हाँ चलो पीयूष भाई देखेंगे ना क्या है क्या नहीं। पीयूष को पहले दिखा देते हैं उसके बाद में डिसाइड करते क्या करना है ना। चलो तो गए हम लोग, मैंने गाड़ी बुक करो दुकान की शॉप। ये दुकान है मेरे बेटे की, ये उसका नाम है पीयूष, जिसको अहमदाबाद से लड़की ने देख के ढूंढ के मेरे घर आई थी। वो जो बताएगा वही फोन लेने वाले दुकान है। बिल्कुल नहीं रुक रहा पीयूष, बता कौन सा फोन लू। OnePlus दिखा दे, OnePlus अच्छा है, OnePlus दे। अब ये लेटेस्ट ही लॉन्च हुआ है OnePlus। ये मेरा बेटा, अब मेरा बेटा जो बोलेगा वो ही फोन लेती हूँ मैं। ये फोन लू क्या, कौन सा फोन लू पीयूष। OnePlus ले लो, OnePlus अच्छा है बस ना, अभी नया है, बहुत अच्छा है कैमरा इसका। क्या नहीं कैमरा, Samsung भी थोड़ा बेटर है कैमरा, डिस्प्ले क्वालिटी, फास्ट चार्जिंग। ये दुकान का सबसे स्मार्ट लड़का है नूर, एक नंबर से आपको सब सारे फोन दिखाएगा और आपके गले में पिला देगा कोई भी फोन। आवाज समझ के लिए आपको अगर चाहिए ना, अगर कभी बिजी वजी रहे उसके लिए सबसे बेस्ट है OnePlus का सेम कंपनी है, प्लस साउंड रूम क्वालिटी देखोगे तो इस दोनों के कंपेरेटिव थोड़ा अच्छा है। तो अभी क्या करोगे, दोनों साथ में ले लीजिए, बेस्ट है।
अभी आपको मैं बताती हूँ कि मैंने कौन सा फ़ोन लिया। ये अमीन और पीयूष दोनों ने सजेस्ट किया। मैं हमेशा अमीन और पीयूष के बोलने पे ही लेती हूँ। पीयूष शॉप वाला है पर वो मुझे अपने अभी मम्मी जैसा समझता है, इसलिए हर अच्छी चीज़ मुझे बताएगा कि आप ये लो ये करो। और सैमसंग की तो मैं फ़ैन हूँ तो इसीलिए बेचारा कोई बोल ही नहीं पाता। जो न्यू फ़ोन है वो मेरा सॉरी। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। फर्स्ट टाइम मैं आईफोन और सैमसंग को छोड़ के कोई तीसरी कंपनी फर्स्ट टाइम ली हूँ। इसका कैमरा बहुत अच्छा है, जो मून पे पिक्चर क्लिक हुई है ना वो येलो के कैमरे से ही हुई है। तो मैंने पढ़ा है थोड़ा इसके बारे में। ये है मेरा न्यू फोन और चलो आज इसका कलर भी आपको बता ही देती हूँ। This is my new phone, OnePlus 9 Pro. Yeah, OnePlus 9 Pro, latest version, latest 5G. चलो कैसे लगा आप लोगों को? अब इसको पहले सब तैयार करते हैं, उसके बाद इसमें नए वीडियोस बनाते हैं, नए व्लॉग बनाते हैं और आपके साथ कनेक्ट होते हैं। तो चलिए अभी इसके बाद अगर कुछ और होगा तो दिखाती हूँ, नहीं तो फिर बाद में कुछ और आपसे तो वीडियो में बातें करूँगी। चलो अभी हमने पूरा बॉक्स ओपन करके देखे तो इसके अंदर कवर भी मिल गया और बहुत सारे अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, बता दो वही। और इसका सब चीजें मतलब जो इसके अंदर लगने वाली चीजें सारे अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह आप लोग भी देखिए, ट्राई कीजिए, मजा लीजिए मेरे ब्लॉग के। आजकल मैं जो मैं मतलब दिन भर मेरी एक्टिविटीज रहती है, आजकल उसी को लेके ब्लॉग बनाती हूँ। कुछ स्पेशल वाली चीज़ें नहीं रहती है, जो ज़िंदगी हम जीते हैं उसी को लेके ब्लॉग आजकल मैं बनाने लगी हूँ। तो इंशाल्लाह आपको भी ऐसे लगेगा मेरे ब्लॉग देख के कि ये भी आपकी भी ज़िंदगी यही है, कि इसमें स्पेशल कुछ नहीं, बस ये स्पेशल है कि आप मुझे पसंद करते हो, मुझे लाइक करते हो, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करते हो। तो थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। और चलिए इंजॉय कीजिए, आगे कल मिलते हैं, जो भी होगा कल देखते हैं। बर्थडे की तैयारी तो दूर से, कल साड़ी मिली थी, आज फोन मिला है, आगे कल पता नहीं क्या मिलने वाला। अल्लाह हाफिज़।